अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन निसार है और ये मेरा 16वां ब्लॉग है। हाँ, इस ब्लॉग में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे और दो तीन शूट भी है तो वो भी करना है, क्योंकि वीडियो एक ईद के बारे में बनानी थी वो एक करनी है और हमने एक जगह का विज़िट करना है, वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा जाके। तो चलिए देखिए हमारा 16वां ब्लॉग। यार मैं आया हूँ यहाँ पे कब्रों पे, दादू की कब्र और दादा की कब्र की दुआ पर, कब्रों पे दुआ करने के लिए। तो क्योंकि पुरानी जगह एक वहाँ पे कब्रें, तो मैं आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ के सीन्स तो कुछ नहीं, कोई प्यारे नज़ारे शजारे, तो इसलिए वो मैं जब रास्ते में आया तब आप तक, तब तक वो आप पूछे करें, मैं दुआ कर गया था। यार हमेशा इंसान अपने बड़ों को याद करना चाहिए, क्योंकि अगर भूल जाओ अपने बड़ों को तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का। तो अपने बड़ों को लाजमी याद कीजिएगा इस ईद पे, लाजमी अपने बड़ों की कब्रों पे जाएं, दुआ करें। यार मैंने सोचा था कि जब कब्र पे जाऊंगा तो फुटेज बनाऊंगा, फिर मैंने कहा नहीं यार बुरा लगता है थोड़ा सा, मैंने फिर उधर की फुटेज नहीं बनाई। तो अभी हमारी वापसी है, क्योंकि वापस जाना है, दुआ कर ली और थोड़ी सी वो करनी थी, क्योंकि ईद है कल, इसलिए फिर वो थोड़ी सी की है सेटिंग। तो अभी हम जा रहे हैं। यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, 42-43 है लिटरली। अगर आपको एक बात बताऊँ, अगर ये हवा चले गाड़ी बैठे हो ना तो उसका अपना ही मज़ा आता है। तो अभी हम एक जगह पे जा रहे हैं, मैं आपको बताऊँ मैं किस जगह जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा। आ चुके हैं भमाला वाली साइड, मैंने आपको बताया था मैं जगह नाम था, अभी मैंने आपको बता दी भमाला, ये है भमाला और यहाँ पे हैरो रिवर है, ये दरिया आ रहा है। तो इतना पानी इसका लेवल नहीं है अभी, क्योंकि बारिश काफ़ी टाइम हुआ है, नहीं हुई तो इस साइड पर पानी कम हो गया, पानी का लेवल। और मज़े की बात, इंटरेस्टिंग बात है, पानी बिल्कुल ठंडा है इसका, बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी है। और एक और बात, ये पहाड़ों के दामन में मौजूद है और सबसे प्यारी जगह ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे 2 बजे से आए, स्विमिंग करने के लिए आए हुए थे लेकिन मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये अफ्तारी है यहाँ पर, सब जो हम लोग हैं उन्होंने मिलके इफ्तारी की हुई है, और जो इफ्तारी के सीन्स है वो भी आपको दिखाएंगे। नज़ारे इंशाल्लाह अच्छे हैं यहाँ के, आपको पसंद आएंगे मुझे उम्मीद है पूरी, ये आप देख सकते हैं वैसे भी। हाँ एक और बात यार, अगर कल ईद है, अगर जुमे वाले दिन, तो आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। अगर कल ईद नहीं है तो फिर भी एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि ईद तो इंशाल्लाह परसों तो लाजमी होनी है अगर कल ना हुई जुमे वाले दिन। तो तमाम अहले पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद मुबारक, ओवरसीज़ जितने भी मेरे पाकिस्तानीज हैं उन्हें भी ईद मुबारक, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे मुझे पता नहीं सब्सक्राइबर नहीं है, तो कोशिश यही करता हूँ कि अच्छा कंटेंट बनाऊँ ताकि लोग आएँ। इस बारे में मेरी यही कोशिश है, अच्छा कंटेंट आप ही लाऊँ, क्योंकि अभी सुलेमान वो अभी आए हुए, वो बाइक पे है, तो उसके पास कैमरा है मेरा दूसरा, तो इस कैमरे से तो फोटेज सही नहीं बनेगी, मुझे उम्मीद है उस कैमरे से फोटेज अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। सुन आपको एक अच्छे शॉट्स दिखाऊँगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ एक अच्छा कॉन्टेंट ला रहा हूँ। बस तकरीबन एक मंथ आप इंतज़ार कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर ऊपर से। अभी जो एक बंदे का वेट हो रहा है, वो बंदा अभी तक नहीं पहुंचा इस जगह पे। उस बंदे का नाम सुलेमान है, सुलेमान खान का नाम तो सुना होगा, मैं ब्लॉग में आता रहता है, मेरा दोस्त है, पर अभी तक नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ उसे, क्योंकि उनका बाइक पीछे रह गया, क्या पता अल्लाह ना करे पता नहीं बाइक ख़राब ना हो गया उनका। अगर तुमने आना है भमाला, तो भमाला आने के लिए आपको बाइक की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बाइक पे आना चाह रहे हैं तो आप बाइक पे ठीक हैं, अगर आप आ रहे हैं कार पे तो वो भी ठीक है, लेकिन कार आपके पास एक जीप टाइप होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो रोड है, रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में से रोड बनाए हुए इन्होंने, तो बिल्कुल रोड सही नहीं है। और मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आएँ लाजमी अपने साथ रखें। यार भमाला की बात बताऊँ, भमाला इज़ अबाउट 2 किलोमीटर फ्राम खानपुर, और ये खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर में मौजूद है, और खानपुर जो ज़िला हरीपुर में उसमें मौजूद है ये। और इसके जो जो नज़ारे हैं यार, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं, क्योंकि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, बाकी लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गया हुआ।
तो तब तक मैं जो मैंने सिनेमैटिक्स एक शॉर्ट्स लिए हुए हैं, आप तब तक सिनेमैटिक्स यू क्यों समझिए करें, मुझे बहुत उम्मीद है आपको पसंद आएगा, ट्राई करें हमारा। यार अभी मेरे साथ सुलेमान आ गया, सुलेमान अभी पहुंचा है, सुलेमान को देता हूँ, वो तब व्लॉगिंग करेगा आपके साथ, उम्मीद है आपके साथ अच्छी व्लॉगिंग करता होगा। चलो सुलेमान, सुलेमान चलो जी, अभी आप अपना काम स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं भमाला पे और बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर इफ्तार कर रहे हैं हम। व्लॉग नंबर कौन सा है आपका? सोलह व्लॉग है और आप सीन्स देखें साथ साथ और आपको अफ्तार भी हम कराएंगे। आए हमारे साथ असद भाई, क्या कर रहे हैं आप? हम जनाब ये आपके लिए दस्तरखान बना रहे हैं अभी। अच्छा, जो आपने अधूरा काम किया, चटाई नहीं लाए, अब हम इस पे जो है ना सारा फ्रूट काटेंगे। अच्छा, वैसे मज़ा आया असद भाई आज? हाँ जी, बहुत मज़ा आया क्योंकि आप में से किसी ने जमादारी का कोई सबूत नहीं दिया। नहीं भाई, नहीं भाई, आप सुनाए, बम पकड़ने वाले आप जाते रहते हैं वैसे भी गिलगित, आपको ये जगह कैसी लगी है? बहुत अच्छी जगह है भाई। अच्छा, पहले हमने जो टूर किया था वो बहुत अच्छा था यहाँ। अच्छा, अभी ये आप बच्चों ने जो ना सारा सही ना ला के सारा प्लान की सत्यानाश कर दी। बस हम काम जब भी करते हैं अधूरा काम करते हैं। सुलेमान आप बताएं कुछ। हाँ जी, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से। बस ये हर बार एक्स रे वाला काम हो गया है। ये असल बंदा ये खड़ा हुआ है जी, आपको मिलवाता हूँ इससे। फिलहाल कैसे हो? शुक्र है आप देख सकते हैं अभी हम आके निकले हैं। ठीक है, ये एक है मेरे साथ जिसको ना स्विमिंग आती है ना कुछ, और इस बार मैं फिर जा रहा हूँ अकेला क्योंकि मुझे इन सब की जरूरत नहीं। I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh, I could be the one who saved you.